क्या आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और आपका सपना है डॉक्टर बनना और आप नीट की एग्ज़ाम देने वाले हो, तो 2024 का जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक बिग अपडेट आए हैं और उसी अपडेट को मैं बता रहा हूँ आपको। मैं हूँ रोहित मेहता, फाइनल ईयर BMS स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड सभी नॉलेज इस पर देता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि जो सबसे बड़ा बिगेस्ट अपडेट है वो नीट में क्या आया है। तो सबसे पहला जो बिगेस्ट अपडेट वो है कि अभी जो पहले नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जो एज लिमिट थी, पहले एक एज लिमिट फिक्स था कि उतने एज तक आप दे सकते हैं, लेकिन अभी वो एज लिमिट हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन चल रही थी कि इसका एज नीट में जो देने की उम्र है उसको कितना रखा जाए, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया चल रही थी अभी वो पूरी हो चुकी है। और अभी आप अगर 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो भी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सोचिए कि जो अभी दादा के उम्र के लोग हैं, जो बड़े पिताजी पिताजी के उम्र के लोग हैं, वो लोग भी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो एज लिमिट कोई नहीं है, हम तो कभी तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपका आधा ज़िंदगी नीट का एग्ज़ाम तब आप देंगे जब आपका आधा लाइफ गुजर जाएगा। तो उस समय आप में वो क्षमता रहेगी क्या नीट का प्रिपरेशन करके और सभी आंसर को अच्छे से दे के अच्छा मार्क्स लेके फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, फिर 5.5 ईयर की पढ़ाई करना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसमें से उन्हीं लोगों को फ़ायदा है जो उनके अंदर सक्षम है कि हाँ मैं अभी नीट का एग्ज़ाम दे के और निकाल सकता हूँ, उसको पूरा कर सकता हूँ। तो ये एक बिगेस्ट अपडेट है कि अभी कोई एज लिमिट नहीं है। और जो मिनिमम एज लिमिट थी पहले भी 17 ईयर थी, अभी भी 17 ईयर है। 17 ईयर एबव स्टूडेंट्स ही नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं और आपने 12th का भी एग्ज़ाम दिया है और आपका एज अभी 15 है और आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं। आपको एटलीस्ट 17 ईयर एज होना चाहिए। तो ये एक अपडेट था। और दूसरा जो अपडेट आया है वो ये है कि जो सब्जेक्टिव मार्क्स कितने होने चाहिए। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों में 50-50 मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 45 मार्क्स चाहिए, और ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट को 12th एग्जाम में नहीं चूज़ किया था तो आप नीट के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो नेक्स्ट अपडेट है नीट एग्ज़ाम के लिए वो ये है कि अभी आप अलग अलग लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज था जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते थे, सभी को इंग्लिश चूज़ करना पड़ता था। वैसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, और देते भी थे तो उनकी थोड़ उनको बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अभी जो अपडेट आया है उसमें क्या है कि अभी रीजनल लैंग्वेज के अनुसार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा है कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई की जाएगी, तो यहाँ तो नीट की एग्ज़ाम है, तो नीट की एग्ज़ाम आप अलग अलग लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगला या फिर मराठी, ये सभी लैंग्वेज में आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप जब अपना जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा नीट का, उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर हिंदी में या फिर मराठी में या फिर बंगाली में, तो ये सब अलग अलग जो लैंग्वेज है उसके अनुसार आपका जो भी लैंग्वेज आपका परफेक्ट है जिसमें आपने पढ़ाई किया है, तो उस लैंग्वेज को चूज़ कीजिए और आसानी से उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सभी अपडेट्स थे जो अभी नीट में किया गया है। तो इन अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करके और आप नीट को एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने डॉक्टर बनने की सपना को पूरा कीजिए। धन्यवाद।